हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में वापस। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस, हम आ चुके हैं अपने मल्टीप्लेयर सर्वर में। तो गाइस, बड़े दिनों बाद आए हम ये वाले सर्वर में। लेकिन आप सोच रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड क्यों चेंज हो गया। तो गाइस, पहले वाले एपिसोड में हम दोनों ने आपको बताया था कि वो वाला हम अकेशिया का विलेज चेंज करेंगे, क्योंकि वो हमको पसंद नहीं था। तो गाइस, हमने बताया था कि हम प्लेन्स बायोम का एक विलेज ढूंढेंगे। तो गाइस, हम दोनों ने ये विलेज ढूंढ लिया है प्लेन्स का। तो गाइस, ये देखो, हमने यहाँ पे बहुत अपग्रेड कर ली है। पीछे देखो, वो घर जैसा दिख रहा है वो हमारा ट्रेडिंग हॉल है, और वहाँ पे नेदर पोर्टल भी बनाया है। तो गाइस, सब कुछ बताते हैं हम लोगों ने क्या बनाया है ये वाले सर्वर में। तो अभी गाइस रात हो रही है, तो अभी सोने चलते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं अपने घर पे। तो ये देखो गाइस, अभी हम वो वाला ये, अबे कहाँ है गोडेक्स ब्रो? आ जा फटाफट सोते। किधर है भाई? ओके, तो गाइस उसने बताया यही है, आ रहा है वो। तो गाइस, अभी तो हम ये वाले घर में रहते हैं, ये विलेजर के घर में टेम्पररी। बाद में हम बना लेंगे हम दोनों का घर। और ये देखो गाइस, हम लोगों ने सामान कलेक्ट किया है अपना घर बनाने के लिए। तो गाइस, प्लीज़ क्रिएटिव मत बोलिएगा, हमने ये अपनी मेहनत से कलेक्ट किया। ये देखो, एमरल्ड वेम्बल सब। तो गाइस, ये सर्वर आई थिंक 6 महीने तक बंद था, ऑफलाइन था, इसलिए गाइस हम दोनों ने बहुत मेहनत करके सब कलेक्ट किया है ऑफलाइन जाके। तो प्लीज़ गाइस, क्रिएटिव मत बोलिएगा। ओके, तो गाइस एक बढ़िया वाली सुबह हो चुकी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ट्रेडिंग हॉल। और हाँ गाइस, अभी मैं 1-2 घंटे में एक और वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि गाइस वो रेडी ही पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपलोड ही करना है वो वाली वीडियो को। तो हम बाद में अपलोड कर देंगे। अबे दूर हट। तो गाइस, वो वाली वीडियो एकदम स्पेशल है, क्योंकि हमारे सर्वर में आने वाला है एक न्यू बंदा। वो कौन है आप देखिएगा ज़रूर अगली वाली वीडियो में, अभी तो आई नहीं है वीडियो, लेकिन 1-2 घंटे के बाद मैं अपलोड कर दूँगा। खैर, अभी देखो ये फेदर फॉलिंग 3 वाला हमारा लाइब्रेरियन। बाकी गाइस, यहाँ पे एक फ्लेचर भी था। ये देखो, ये प्रोटेक्शन 2 वाला लाइब्रेरियन। और यहाँ पे ये देखो, ये वाला फ्लेचर जो कि स्टिक्स के बदले हमको एमरल्ड देता है। बाकी यहाँ पे क्लेरिक भी है जो कि हमको देता है रोटन फ्लैश के बदले ये एमरल्ड। बाकी तो गाइस, अभी जॉब सबकी हमने सेट नहीं की, बाद में कर देंगे। लेट्स गो, एक और चीज़ दिखाते हैं, हमारा नेदर पोर्टल। ये है हमारा नेदर पोर्टल। पहले यहाँ पे एक लावा पिट था, उसके बदले में हमने ये नेदर पोर्टल बना दिया, स्पीड रन वाला नेदर पोर्टल। बाद में अंदर जाके आपको दिखाऊंगा गाइस, वैसे भी नेदर को देख के क्या काम है। और ये है हमारा वीट फार्म, जो कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ा वीट फार्म एक बना दिया है। वैसे तो अभी ये ऑटोमेटिक नहीं है, बाद में सब सामान आ जाएगा ना, तब हम ऑटोमेटिक वगैरह फार्म्स भी बनाना शुरू कर देंगे। बाकी गाइस, एक और बढ़िया चीज़, आर यू रेडी टू सी? 3, 2, 1 और गो। ये देखो गाइस, ये है हमारा मीटिंग एरिया। गाइस एकदम बढ़िया है ना मीटिंग एरिया। तो यहाँ पे सर्वर के जो लीडर हो ना, यहाँ पे इसको बैठने का, बाद में जहाँ पे नीचे ऑडियंस हो ना हमारे सर्वर के मेंबर्स, उसको नीचे बैठने का, इसे यहाँ पे सब रूल वूल वगैरह कहने का। गाइस वैसे भी हम सर्वर के एक नियम बनाने वाले हैं। अबे वो देख गोडेक्स प्रो वहाँ पे। जी हाँ गाइस, मैं कह रहा था कि हम सर्वर के नियम बनाने वाले हैं अगले वीडियो में, तो हम ज़रूर बनाएंगे। अगले वीडियो में एक न्यू बंदा आने वाला है ना, इसलिए सर्वर के नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। तो गाइस, आ चुके हैं यहाँ पे ये लोग, देखो गाइस। अभी क्या बोलते हैं, रेड करवाते हैं और टोटम ऑफ अंडा ही लेते हैं। लेट्स गो, इसको मारते हैं फटाफट से। ये देखो गाइस, मेरे पे आ गया है वो, क्या बोलते हैं वो, क्या, हाँ वो बेडोमैन। हाँ गाइस, वैसे अभी यहाँ पे मेरे को मॉन्स्टर हंट का ये अचीवमेंट है ना, वो अभी आ रहा है, क्योंकि गाइस मेरा वो है ना, वो क्या, मेरी नेम मैंने चेंज कर दिया है ना, अपना प्लेयर का नेम टैग वाइटी डेविल कर दिया। पहले तो कुछ भी था गाइस, मेरे को भी पता नहीं। तो गाइस उसके बदले में मैंने ये वाला नाम रख दिया है, इसलिए गाइस प्लेयर तो वैसे न्यू ही गिना जाएगा ना सर्वर पर, इसलिए गाइस अभी ये मॉन्स्टर हंट का ये आ रहा है हमारा अचीवमेंट। तो उसका गाइस वो फिक्स नहीं है अभी तो ये। तो गाइस पहली बार आया हूँ ना अभी सर्वर पे मैं ये वाला नेम लेके, इसलिए। तो गाइस हम थोड़ी देर बाद रेड शुरू करने वाले हैं। अभी तो मैंने गोडेक्स प्रो को विलेज में भेजा है खाना लेने के लिए, यहाँ पे अपने वीट फार्म पे। अगर मैं जाऊँगा तो रेड शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैंने गोडेक्स प्रो को कहा जा फटाफट वीट लेके आ। बाकी मैं गाइस यहाँ पे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़े बहुत। और हाँ गाइस, ये हमारा आयरन का आर्मर टूल्स वूल्स वगैरह है ना, वो भी हमने माइनिंग करके लिया है, क्रिएटिव क्रिएटिव से नहीं लिया। तो गाइस प्लीज़ क्रिएटिव तो मत ही बोलिएगा, हमने गाइस बहुत मेहनत की है लिटरली गाइस।
ये सर्वर को मेंटेन करने के लिए। गाइस कितना सामान कलेक्ट किया पता है आपको घर बनाने के लिए, वो कंक्रीट वंक्रीट वगैरह। तो गाइस अभी है ना ये गोड एक्सप्रो खाना लेने गया है, तो मैं सब कुछ ये कलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लॉक्स वॉक्स, बाद में जाते हैं हम ब्रेड करवाने। ओके तो गाइस आ चुके हैं विलेज में और हमने सब कलेक्ट कर लिया है खाना वाना, थोड़ा गोड एक्सप्रो को भी दे दिया खाना। तो अभी आ चुके हैं विलेज में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे ये छपरे पर चढ़ जाते हैं ट्रेडिंग हॉल के, क्योंकि गाइस यहाँ पे छपरे पे इतना आयरन गोलम स्पॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ विलेजर है ना आई थिंक सो अपने बेड के ऊपर जाके आयरन गोलम स्पॉन करते होंगे। बाकी गाइस हमने अंदर तो 3 ब्लॉक की जगह रखी है, एक आयरन गोलम भी आ जाए ना उतनी जगह है, लेकिन गाइस आई थिंक ये अपने बेड के ऊपर जाके स्पॉन करते होंगे आयरन गोलम को। जो भी हो अभी रेड आती ही होंगी यहाँ पे, पिलेजर ये आते ही होंगे, तो कहाँ से आते हैं वो हमको पता नहीं, लेट्स गो ढूंढते हैं सबको। ओके तो गाइस ये लोग आना शुरू हो चुके हैं, मारो मारो। ओ भाई आयरन गोलम का हिट तो देखो कितना जोर से उड़ा दिया उसको। अबे ये तो मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया, गोड एक्सप्रो के पीछे पड़ गया ये आयरन गोलम तो। ये सबसे पहले ये शील्ड अपनी ये अपना बैनर लगाते हैं ये वाला पिलेजर का। अबे ये आयरन गोलम उसके पीछे पड़ गया, एरो वेरो मारा मारा होगा इसने। सबसे पहले इसको मारना पड़ेगा आयरन गोलम को, वरना उसको ही मार देगा ये। ओके यहाँ पे 2 ही रेडर बचे, एक को मार दिया, अभी लास्ट वाला इधर ही होगा, ढूंढते हैं सबसे पहले उसको। ओके तो गाइस ये लास्ट वाले रेडर को हम कब से ढूंढ रहे, आई थिंक सो 7-8 मिनट हो चुकी है अभी तक ये नहीं मिला, तो सबसे पहले हम सो जाते हैं, बाद में सुबह उठ के इसको ढूंढेंगे। तो गाइस यहाँ पे सुबह हो चुकी है और आई थिंक मुझे लगता है ये वाला रेडर यहाँ पे ये इस केव में गया होगा, शायद से गिर विर गया होगा अपने साथियों के साथ आ रहा हो तो फटाफट से ये वाली केव में अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं, ओह यहाँ पे आयरन है थोड़ा बहुत ले लेते हैं चलो। ओ गाइस ये रहा यहाँ पे नीचे, गाइस मैं यहाँ से आ रहा था तो इसका साउंड आया, यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है, रुक तेरे को मारता हूँ। अबे कितनी स्पीड में दौड़ रहा है, इसको हिट भी नहीं हो रहा। अबे रुक भाई रुक, ये ले और ये ले। ओके तो गाइस दूसरी रेड शुरू होने जा रही है, तो फटाफट से मैं ऊपर चला जाता हूँ, केव से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि मैं अपने विलेज को बचा सकूँ। ओके तो गाइस यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को सेफ होना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर चला जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमको अभी पता नहीं ये लोग कहाँ से आ रहे होंगे, तो गाइस यहाँ पे मैं पूरा एक सेटअप बना देता हूँ। ये देखो आ गए गाइस, आ गए, मारो मारो। अबे ये विंडिकेटर भी आ गए, इनको मारना पड़ेगा गाइस, आ जाओ इधर आ जाओ। अबे गाइस यहाँ पे एक तो हिट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे गाइस मैं एक सेटअप तैयार करता हूँ बढ़िया वाला, अभी नहीं आ पाएंगे ये, बस गाइस यहाँ से मारूंगा मैं इनको, अभी नहीं आ पाएंगे ये, यहाँ पे बैठ के ऐसा मारूंगा। ये लो गाइस यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना जब ये ऊपर आए ना तब, वरना मेरे को ही मार देंगे। तो गाइस यहाँ पे इजीली मैं इनको डिफीट कर सकता हूँ ऐसे करके। अबे भाई मरो ना, हाँ एक गया गाइस, दूसरा भी अभी मर नहीं आया होगा। अबे गोड एक्सप्लो जा, ओ भाई ये गोड एक्सप्लो तो कूद ही गया। गाइस तीसरी रेड भी शुरू हो चुकी है, तो फटाफट से हम ऊपर चले जाते हैं और अपना सेटअप तैयार कर देते हैं, लेट्स गो। ओके तो ये किधर से आ रहे हैं ये लोग, दिख नहीं रहे आजू बाजू। अबे ये क्या है, ओ ये रेवेंजर आया। गाइस सबसे पहले तो मैं डर गया, यहाँ पे सब टूटते टूटते आ रहा था ये पेड़ वेड़ वगैरह, मुझे लगा क्या ही चीज आ गई। ओबे भाई ये देखो गाइस, मैं तो थोड़ी देर के लिए तो डर ही गया। अबे मेरे को नीचे गिरा दिया, भागो भागो गाइस। अरे गाइस अभी तो इसको दिखाना ही पड़ेगा इस रेवेंजर को। गाइस मेरे को लगा कि मेरे पीछे ही आ रहे होंगे, लेकिन गाइस ये पीछे नहीं थे, इसलिए मैं पूरा घूम के ऊपर चढ़ा। तो गाइस ये आधे लोग मेरे पीछे पड़े हैं और आधे लोग ये गोड एक्सप्रो के पीछे पड़े हैं, तो मुझे लगता है गोड एक्सप्रो तू जा वहाँ पे आयरन गोलम के पास जा, इनको लूर करके लेके जा। ये देखो गाइस जा एक को लेके जा, बाद में सभी आएंगे वहाँ पे। ये देखो आ गए आयरन गोलम, अबे ये मार रहा है गाइस, ये जंप करके मार रहा है आयरन गोलम, आओ फटाफट ये मेरे को मार देगा वरना, मारो 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 मारो। ओ गाइस इसको मार के आधी रेड खत्म हो गई, देख सकते हो आप ऊपर। तो गाइस मेरे पास अभी खाना वाना नहीं है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ खाना कलेक्ट करने। अबे गोड एक्सप्रो तू इन लोगों को देख लेना, मैं खाना कलेक्ट करके आता हूँ, सबको मार देना, लेट्स गो गाइस फटाफट से खाना कलेक्ट कर लेते थोड़ा बहुत। ओ गाइस यस गाइस, हीरो ऑफ द विलेज का यहाँ पे हमको टाइटल मिल गया, लेकिन गाइस ये रेड तो छोटी सी ही थी,
और हमको टोटम ऑफ अंडा भी नहीं मिला क्योंकि वो लोग नहीं आए थे, उनका नाम मेरे को नहीं आता क्या होता है वो, जादू टोना करता है वो वाला। बस कोई बात नहीं, हम विलेज को बचा तो लिया हम दोनों ने। बस हीरो ऑफ द विलेज टाइटल मिल चुका है, लेट्स गो। तो बस यार गाइस यही था आज का वीडियो, होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया आपने मल्टीप्लेयर सर्वर में खेलने का, बड़े दिनों बाद आए हैं ना इसलिए बहुत मज़ा आया गाइस। तो गाइस पहले हमारा प्लान तो कुछ अलग करने का था हमारे सर्वर में, लेकिन गाइस लगे हाथ ये लोग मिल गए ना तो हमने सोचा रेड करवा देते, अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा। तो गाइस बस यार यही था आज का वीडियो, होप आपको बढ़िया लगा होगा। तो अगर बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल को। तो मैं मिलता रहूँगा ऐसे और न्यू वीडियो में आपको वापस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।